किसी बस अड्डे पर श्याम नाम का लालची कुली काम करता था। वह यात्रियों से पैसे कमाने के लिए नए नए हथकंडे अपनाता था। हमेशा की तरह एक यात्री आया। सामान उठाने के लिए किसी कुली ने 30 रुपये भी कहे तो किसी ने 35 और किसी ने 40 रुपये भी कहे। उसने कहा थोड़ी दूरी तो जाना है। तभी श्यामू कुली वहां आ जाता है और कहता है, मैं आपका सामान ले जाऊंगा सिर्फ 20 रुपये में। सस्ता होने के चक्कर में वह यात्री उसे भांप नहीं पाता और हाँ कर देता है। श्याम उस यात्री का सामान उठाकर उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा देता है और जब यात्री उसे 20 रुपये देता है तो श्याम कुली कहता है कि 20 रुपये नहीं 30 रुपये हुए हैं। आपने ठीक से सुना नहीं था क्या? क्या 30 रुपये? यात्री चौंक जाता है। चुपचाप मेरे 30 रुपये दे दो वरना मैं तुम्हारा पूरा सामान उठाकर वापस उसी बस अड्डे पर छोड़ आऊँगा और वहाँ कोई कुली भी नहीं मिलेगा। यात्री को मजबूरन 30 रुपये देने पड़ जाते हैं। चालाक से चालाकी करता है। कुछ समय बाद फिर एक बस आकर रुकती है। उस बस से निकला यात्री भी किसी कुली को ढूंढ रहा होता है। उतने में श्यामू कुली वहां आ जाता है और कहता है, मैं आपका सामान उठा लूंगा केवल 20 रुपये में। यात्री कहता है, ठीक है लेकिन मुझे 50 रुपये के छुट्टे चाहिए। बस में सफ़र करते करते मेरा सर बड़ा दुख रहा है, बाहर जाकर मैं चाय पीऊँगा। श्यामू कुली उस यात्री को 50 रुपये के छुट्टे दे देता है और उस यात्री का सामान उठाकर उसे उसकी मंजिल तक पहुँचा देता है। फिर श्यामू कुली उससे 30 रुपये मांगता है। यात्री कहता है, हाँ हाँ 30 रुपये दे दो मुझे। श्यामू कुली गुस्से में कहता है, ये सामान मैं उठाकर लाया हूँ कि तुम उठाकर लाए हो? ज़्यादा विवाद बढ़ने पर आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। वे जानते हैं कि श्यामू कुली ही झूठ बोल रहा होगा। भीड़ ज़्यादा बढ़ जाने पर श्यामू कुली उस यात्री से कहता है, मुझे मेरे 30 रुपये दे दो। यात्री लोगों से कहता है, मैंने इसे 50 रुपये दिए हुए हैं, इसकी जेब में देख लो। उस नोट पर एक निशान भी बना हुआ है जो मैंने बनाया हुआ था। जब वह 50 रुपये का नोट जांचा जाता है तो उस पर एक निशान बना हुआ होता है जो कि पेन से बनाया हुआ है। फिर श्यामू कुली को मजबूरन उल्टे 30 रुपये और देने पड़ जाते हैं। चालाक से चालाकी महंगी पड़ गई।